नरसिंह उत्तर तापन्य उपनिषद तीसरा भाग प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद के इस भाग में तीसरे चौथे व पांचवें खंड हैं। इनमें बताया गया है कि मंत्रराज नरसिंह सूत्र की चार पंक्तियां ओम की चार ध्वनियों के बराबर हैं, जिनमें तुरिया भी शामिल है। व्यक्ति तुरिया के माध्यम से इस जगत से ऊपर उठकर तुरिया तक पहुंच जाता है और वह सारे जगत को तुरिया में विलीन कर लेता है। आत्मा तुरिया के रूप में ओम ध्वनि की नोक पर प्रकाशमान है। नरसिंह आत्मा है तथा ओम अपनी ध्वनियों से नरसिंह को व्यक्त करता है। ये सब इस भाग में बताया गया है। उपनिषद ओम ध्वनि का पहला भाग नरसिंह सूत्र की पहली पंक्ति है, उसका दूसरा भाग मंत्रराज की दूसरी पंक्ति है, उसका तीसरा भाग मंत्रराज की तीसरी पंक्ति है तथा ओम ध्वनि का चौथा भाग अपने ही चार पदार्थों के कारण चार पदार्थ वाला तुरिया है और यह मंत्रराज की चौथी पंक्ति है और वे चार पदार्थ हैं सब कुछ तथा सबके अंदर बुना हुआ, सब कुछ तथा सबका पुष्टि करने वाला, सब कुछ तथा सबका पुष्टिकरण तथा पूरी तरह विरक्त। व्यक्ति इसके माध्यम से ध्यान लगाए और ऐसे ध्यान लगाकर वह जगत को तुरिया में विलीन कर ले। इस ओम ध्वनि का पहला भाग पृथ्वी अ की ध्वनि है। यह श्लोकों की बनी है, यह ऋग्वेद की बनी है, यह ब्रह्मा है, यह गायत्री है, यह गाढ़पत्य अग्नि है, यह मंत्रराज सूत्र की पहली पंक्ति है और यह चारों पंक्तियों में चार पदार्थ वाले होने के कारण चार पदार्थ वाली है और ये चार पदार्थ हैं ठोस या भौतिक, सूक्ष्म, बीज या करणी तथा साक्षी या दृष्टा। ओम ध्वनि का दूसरा भाग वायुमंडल ऊ की ध्वनि है। यह यज्ञीय सूत्रों की बनी है, यह यजुर्वेद की बनी है, यह विष्णु है, यह सभी रुद्र है, यह त्रिस्तुभ है, यह दक्षिण अग्नि है, यह मंत्रराज सूत्र की दूसरी पंक्ति है और यह चारों पंक्तियों में चार पदार्थ वाली होने के कारण चार पदार्थ वाली है और ये चार पदार्थ हैं ठोस या भौतिक, सूक्ष्म, बीज या करणी तथा साक्षी या दृष्टा। ओम ध्वनि का तीसरा भाग स्वर्ग म की ध्वनि है। यह गीतों की बनी है, यह सामवेद की बनी है, यह रुद्र है, यह सभी आदित्य है, यह जगती है, यह आहवनीय अग्नि है, यह मंत्रराज सूत्र की तीसरी पंक्ति है और यह चारों पंक्तियों में चार पदार्थ वाले होने के कारण चार पदार्थ वाली है और ये चार पदार्थ हैं ठोस या भौतिक, सूक्ष्म, बीज या करणी तथा साक्षी या दृष्टा। और ओम ध्वनि का चौथा भाग अर्ध ध्वनि जो अक्षर ओम के अंत में आती है, यह सोम जगत है, यह पूर्ण ओम ध्वनि है, यह अथर्वण गीतों की बनी है, यह अथर्व वेद की बनी है, यह सार्वभौमिक विनाश की अग्नि है, यह सभी मारुत है, यह विराज है, यह सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है जिसे स्वयं प्रकाश कहते हैं। यह मंत्रराज की चौथी पंक्ति है और यह भी सभी पंक्तियों की तरह चार पदार्थ वाली है। जो चार पदार्थ हैं ठोस या भौतिक, सूक्ष्म, बीज या करणी, साक्षी या दृष्टा। व्यक्ति को चाहिए कि वह ओम की प्रत्येक मात्रा में ओम की सभी मात्राओं को पुनः खोजे और तब व्यक्ति उस पर ध्यान लगाए जिसके ये चार रूप हैं, जो हैं सब कुछ व सबके अंदर बुना हुआ, सब कुछ व सबका पुष्टिकरण करने वाला, सब कुछ व सबका पुष्टिकरण तथा पूरी तरह विरक्त। और ऐसे ध्यान लगाने से वह जगत को अपने में विलीन कर ले। ऐसा करने से व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, वह अमर बन जाता है, अपनी चेतना की
आहुति या बलि देकर वह शुद्ध तथा विश्राम करने वाला बन जाता है तथा वह सभी बाधाओं से भी मुक्त हो जाता है। श्वास के नियंत्रण से वह आत्मा को जान लेता है। इस सारे जगत का या नीचे इस जगत में रहते हुए ही सब कुछ का परित्याग करके अपने आप को अनेकता के एहसास से पूरी तरह से मुक्त करके व्यक्ति पूर्ण बन जाता है। वह तो वो मूल चार पदार्थ वाला बन जाता है जो अमृत का बना है, जो मूल चार पदार्थ वाला है जो सारे ब्रह्मांड का बना है। तब अपने ही हृदय के महान सिंहासन पर व्यक्ति इस चार में सात की बुनी हुई चार पदार्थ वाली आत्मा को उसके नौकर चाकरों सहित उस ज्वलंत ओम ध्वनि को मूल अग्नि पर विस्थापित करे, यानी उस सात गुणों को जो पृथ्वी है, जो अध्वनि है, जो ऋग्वेद है, जो सभी वसु है, जो गायत्री है और जो गाढ़पत्य अग्नि है, उस चार पदार्थ ओम ध्वनि को वह ब्रह्मा के रूप में नाभि में विस्थापित करे। उस सात गुणों को जो वायुमंडल है, जो ऊ ध्वनि है, जो यजुर्वेद है, जो विष्णु है, जो सभी रुद्र है, जो त्रिस्तुभ है, जो दक्षिण अग्नि है, उस चार पदार्थ ऊ ध्वनि को वह विष्णु के रूप में हृदय में विस्थापित करे। उस सात गुणा जो स्वर्ग है, जो मध्वनि है, जो सामवेद है, जो रुद्र है, जो सभी आदित्य है, जो जगती है, जो आह्वनीय अग्नि है, उस मध्वनि को वह रुद्र के रूप में भौहों के बीच में विस्थापित करे। उस सात गुणा को जो सोम जगत है, जो ओम ध्वनि है, जो अथर्व वेद है, जो सार्वभौमिक विनाश की अग्नि है, जो सभी मारुत है, जो विराज है, जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है, जो चार पदार्थ वाला है, जो चार में सात है, उस चार पदार्थ ओम ध्वनि को जो पहले सभी तत्वों के बनी हुई है, उस ओम ध्वनि को व्यक्ति सर्वेश्वर के रूप में इन बारह ध्वनियों अ उ तथा म जिनके चार चार पदार्थ हैं उनकी अंत में उसे विस्थापित करे। और ऐसे ही उस सात गुणा चार पदार्थ चार में सात वाले को पहले की तरह उस चार पदार्थ वाले प्रणव ओम ध्वनि को उसके तत्वों के समेत जो आनंद व अमृत की बनी है उसे इन सोलह ध्वनियों के अंत में विस्थापित करे। जो सोलह ध्वनियां हैं अ उ म तथा ओम जो प्रत्येक चार पदार्थ वाली है। इसके बाद व्यक्ति प्रणव ओम द्वारा जो आनंद व अमृत का बना है उन ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश्वर की चार तरीकों से उपासना करे। व्यक्ति खास तौर से ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र उनकी उपासना उन्हें अलग अलग मानकर उनके अलग अलग गुणों के अनुसार उनकी उपासना करे और फिर उन्हें अलग अलग नहीं बल्कि उन्हें एक मानकर उनकी उपासना करें। जब व्यक्ति ने इस तरह उनकी उन्हें आहुति देकर उनकी चार तरीकों से उपासना कर ली है तब व्यक्ति उन्हें निर्गुण के रूप में सिकोड़ कर उससे वह त्रिगुणात्मक ठोस सूक्ष्म बीज शरीर को पहले बताई मूल अग्नि द्वारा उस शरीर को वह व्याप्त करे। व्यक्ति उन शरीरों में स्थित आत्मा को उत्तेजित करे और तब अपने आप को शक्ति के लिए आत्मा से निकलने वाले आध्यात्मिक ताप का सहारा लेकर इन गुणों द्वारा जो है ठोस सूक्ष्म तथा करणी व्यक्ति इन गुणों द्वारा एकता स्थापित करे। सबसे पहले वह ब्रह्मांडीय महान ठोस या सकल में एकता प्राप्त करे, तब वह महान ठोस को महान सूक्ष्म में सिकोड़ दे और महान सूक्ष्म को वह महान बीज या महान करणी में सिकोड़ दे और फिर उस पर ध्यान लगाकर जिसके रूप है सब कुछ व सबके अंदर बुना हुआ, सब कुछ व सबका पुष्टि करने वाला
सब कुछ व सबका पुष्टिकरण व बिल्कुल विरक्त ओम की सभी ध्वनियों द्वारा वह जगत को इसमें विलीन करे। यह आत्मा जो सबसे ऊंचा ब्रह्म है, जो ओम ध्वनि है, जो तुरिया के रूप में ओम ध्वनि की नोक पर प्रकाशमान है, इस आत्मा की उपासना अनुष्टुभ से करके इसका पक्ष जीत लेना चाहिए। तब व्यक्ति इसे ओम शब्द में सिकोड़ कर और इसे अपना ही समझकर इस पर विचार करे, तब इस आत्मा की जो सबसे ऊंचा ब्रह्म है, जो ओम ध्वनि है, जो तुरिया के रूप में ओम ध्वनि की नोक पर प्रकाशमान है, तब व्यक्ति इस उपासना, इस मन, इस आत्मा की उपासना मंत्रराज नरसिंह के 11 शब्दों द्वारा, 11 पदार्थ वाले के रूप में इसकी उपासना करे और इस आत्मा, इस नरसिंह को वह ओम शब्द में सिकोड़कर इस पर विचार करे। उस आत्मा जो सबसे ऊंचा ब्रह्म है, जो ओम ध्वनि है, जो तुरिया के रूप में ओम ध्वनि की नोक पर प्रकाशमान है, व्यक्ति इसके बारे में प्रणव ओम के माध्यम से विचार करे। व्यक्ति इसकी ध्वनि, इस व्यक्ति इसकी छवि अपने मन में 9 गुणा के रूप में अनुष्टुप के माध्यम से बनाए, उन्हें मंत्रराज के पहले 9 शब्दों से 9 गुणा आत्मा में देखे, जो जीव के होने से भरा है, जो विचार तथा आनंद से भरा है। वह आत्मा जो जीव के होने से भरा है, जो विचार तथा आनंद से भरा है, व्यक्ति इसे सबसे ऊंची आत्मा समझे, इसे सबसे ऊंचा परम ब्रह्म समझे और इसे ऐसा समझते हुए व्यक्ति मैं शब्द से इस आत्मा को अपनी ही आत्मा के रूप में पकड़ ले कि मैं ही यह आत्मा हूं, और तब उसे वह अपने मन से तथा अनुष्टुप से ब्रह्म के साथ एक कर ले। वह वास्तव में नर है, वह वीर है, क्योंकि यह वो नरसिंह है जो सब जगह मौजूद है और जो हर समय जान फूंकने वाला है। और वह सिंह, वह तो सबसे ऊंचा भगवान है, क्योंकि यह तो वही है जो सब जगह मौजूद है और जो हर समय जान फूंकने वाला है। वह तो सब कुछ निगल जाता है, वह तो पूरी तरह से नरसिंह है और यही तुरिया है। वह उग्र है, वह वीर है, वह महान है, वह विष्णु है, वह ज्वलन है, वह सब ओर मुख वाला है, वह नरसिंह है, वह भीष्ण है, वह भद्र है, वह तो मृत्यु के भी मृत्यु है, वह नमामि है, वह अहम है। ऐसे अपने आप को योग में लगाकर व्यक्ति को अनुष्ठुप पर ब्रह्म तथा ओम के संदर्भ में ध्यान लगाना चाहिए। इस पर ये श्लोक है, सिंहासन पर उस सिंह को विस्थापित करो, उसके बाद जो भी इंद्रियों के विषयों के भौतिक पदार्थ हैं, उन सभी भौतिक पदार्थों को पकड़कर उन्हें बैल जैसी ओम ध्वनि के सींगों से गोदकर, उन सब थर थर कांपते हुए जो सत्य नहीं बल्कि जो माया है, उन पदार्थों को तुम उस सिंह के सामने उसके खाने के लिए उन्हें फेंक दो, तब तुम वीर हो। ओम का अध्वनि का जहां तक संबंध है, इसका मतलब है जो सबसे अधिक तक पहुंचता है, और यह आत्मा, यह नरसिंह, यह ब्रह्म के संदर्भ में है। यह तो वह एक है जो सबसे अधिक तक पहुंचता है, क्योंकि यह साक्षी है, यह स्वामी है, इसलिए यह सब जगह मौजूद है, यह सर्वव्यापी है, यह तो ब्रह्मांड है, यह तो वो है जो सबसे अधिक तक पहुंचता है। यह ब्रह्मांड तो केवल आत्मा है, यह तो निरी माया है। वह उग्र है, वह वीर है, वह महान है,
वह विष्णु है, वह ज्वलन है, वह सब और मुख वाला है, वह नरसिंह है, वह भीष्ण है, वह भद्र है, वह मृत्यु की भी मृत्यु है, वह नमामि है, वह अहम है, वह तो सबके अधिक तक, वह तो सबसे अधिक तक पहुंचने वाला है। वास्तव में भगवान नरसिंह ही आत्मा है, वही ब्रह्म है। वह जो यह जान लेता है, वह तो बिना इच्छाओं के है, वह तो इच्छाओं से मुक्त है, वह तो संतुष्ट इच्छाओं वाला है, वह तो स्वयं अपनी ही इच्छा है। उसकी पशु वृत्तियां उसके बाहर नहीं जाती, बल्कि वे तो वहीं इकट्ठी होकर वहीं रहती हैं, क्योंकि वह तो ब्रह्म है और वह ब्रह्म में विलीन है। और ओम की ऊध्वनि का जहां तक संबंध है, इसका मतलब है सबसे ऊंचा, और यह आत्मा नरसिंह तथा ब्रह्म के संदर्भ में है, और इसलिए यह जीव के होने का सत्य है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी अस्तित्व रखता नहीं जो दिखाई देता हो और जो अपना प्रकाश आत्मा से प्राप्त करता ना हो, क्योंकि वह अकेला ही है जो स्वयं प्रकाशित है और जो किसी दूसरे के साथ जुड़ा नहीं है, और यह आत्मा अपने अलावा और कुछ देखती नहीं, इसलिए ऐसा सबसे ऊंचापन कहीं और मिलता नहीं। ऐसा यह सबसे ऊंचापन केवल आत्मा की ही विशेषता है। उग्र के रूप में वीर, महान, विष्णु, ज्वलन, सब और मुख किए हुए नरसिंह, भीष्ण, भद्र, मृत्यु की भी मृत्यु, नमामि तथा अहम, इन सब रूपों में सबसे ऊंचा है। इसलिए व्यक्ति आत्मा को ऐसा जाने, वास्तव में भगवान नरसिंह ही आत्मा है, वही परम ब्रह्म है। वह जो यह जान लेता है, वह बिना इच्छाओं के हो जाता है, वह इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वह संतुष्ट इच्छाओं वाला हो जाता है, वह स्वयं अपनी ही इच्छा बन जाता है। उसकी पशु वृत्तियां बाहर नहीं जाती, बल्कि इकट्ठी होकर वे वहीं रहती है। वह तो ब्रह्म है और वह तो ब्रह्म में विलीन है। और ओम की म ध्वनि के जहां तक संबंध है, इसका मतलब है सर्वशक्तिमान, और यह आत्मा नरसिंह तथा ब्रह्म के संदर्भ में है, इसलिए यह अबाध है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है, यह अविभाज्य है, यह स्वयं प्रकाश है। वास्तव में यह तो ब्रह्म ही है जो सबसे अधिक तक पहुंचता है, जो सबसे ऊंचा है। यह ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, यानी यह तो सब कुछ जानता है, यह अपनी जादुई कला का प्रयोग करता है, यह सर्वशक्तिमान है, और यह उग्र, वीर, महान, विष्णु, ज्वलन, सब और मुख किए हुए नरसिंह, भीष्ण, भद्र, मृत्यु के भी मृत्यु, नमामि तथा अहम, यह इन सभी रूपों में सर्वशक्तिमान है। इसलिए व्यक्ति अ तथा उ ध्वनि से इस आत्मा को, जो सबसे अधिक तक पहुंचने वाली है, जो सबसे ऊंची है, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, जो सब कुछ तथा सबकी साक्षी है, जो सब कुछ निगल जाने वाली है, जो सभी प्रकार के प्रेम का विषय है, जो अस्तित्व में होने की बनी है, जो विचार और आनंद की बनी है, जिसका केवल एक ही स्वाद है, जो सारे जगत के सामने शानदार ढंग से चमकती है, व्यक्ति उस आत्मा को खोजे और उसे वह ओम की म ध्वनि से जाने कि वह तो सबसे ऊंचा ब्रह्म है, जो सबसे अधिक तक पहुंचता है, जो सबसे ऊंचा है, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अस्तित्व में होने का है, जो विचार तथा आनंद का है, जिसका केवल एक ही स्वाद है। वास्तव में भगवान नरसिंह ही आत्मा है, वही परम ब्रह्म है। वह जो यह जान लेता है, वह तो बिना इच्छाओं के हो जाता है, वह तो इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, वह तो संतुष्ट इच्छाओं वाला हो जाता है, वह तो स्वयं अपनी ही इच्छा बन जाता है। उसकी पशु वृत्तियां बाहर नहीं जाती, बल्कि इकट्ठी होकर वे वहीं रहती हैं, क्योंकि वह तो ब्रह्म है और वह तो ब्रह्म में विलीन है, ऐसा प्रजापति ने कहा। इसके साथ ही नरसिंह उत्तर तापन्य उपनिषद
के तीसरे, चौथे व पांचवें खंड संपन्न हुए। ओम शांति शांति शांति।